पुलिस की गिरफ्त में अपने मुंह को छिपाए खड़ा ये है महेंद्र बाघेला, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आकर अपने कजिन भाई को मौत की नींद सुला दिया। असल में 11 फरवरी को पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि ग्राम अतरसमा में रोड पास स्थित कुएं में एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये शव एक 20 साल के लड़के का था। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने मरने वाले की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने जिले के सभी थानों में पता किया कि क्या कहीं गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस दौरान पता चला कि थाना हंडिया में 28 जनवरी को एक लापता लड़के का मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लापता लड़के का नाम योगेश था, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। वो हंडिया थाना इलाके के अजनास गांव का रहने वाला था। थाना कोतवाली पुलिस को मिली मृतक का हुलिया इस रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक मेल खा गया। इसके बाद मृतक के रिश्तेदारों को बुलाया गया और शव की पहचान कराई गई। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि वो शव योगेश का ही है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस की पूछताछ में घरवालों ने बताया कि योगेश 28 जनवरी को सुबह 9 बजे अपने चचेरे भाई महेंद्र बाघेला के साथ था। उसने अपनी मां सुशीला बाई को मजदूरी करने की बात कही और भाई की मोटरसाइकिल पर निकल गया। लाश मिली थी कुएं के अंदर, उस मामले में क्या खुलासा पुलिस ने किया? देखिए, उसके परिवार वालों को पहचान कराई तो उसमें उसके परिवार में उसके पिता ने पहचाना कि उसकी जो उसका बेटा है, उसका नाम योगेश कोरकू है, जो 28 तारीख को गुम हो गया था। और ये भी पता चला था कि योगेश कोरकू पूरे दिन महेंद्र कोरकू, जो उसके चचेरा भाई है, उसके साथ रहा था। महेंद्र कोरकू ने अपनी गर्लफ्रेंड उसको इंदौर से बुलवाया था। इस प्रकार ये तीनों साथ साथ रहे पूरे समय। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया महेंद्र कोरकू का, रात का समय था, और तो वो पेट्रोल लेने गया। इस बीच में योगेश कोरकू ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने की कोशिश करी, जिसमें महेंद्र कोरकू ने देख लिया और महेंद्र कोरकू और योगेश कोरकू के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट करी। महेंद्र कोरकू ने फिर योगेश कोरकू को इतना मारा कि वो कुएं में गिर गया। तो इस प्रकार हमने जो है महेंद्र कोरकू के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है। और उसके साथ क्योंकि उस समय खुशी भी थी और खुशी ने भी उसका साथ दिया है, तो दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सर, पकड़ा गया कैसे, थोड़ा सा बताइए पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? देखिए, हमने चूँकि उसके पिता ने बताया था उसके योगेश कोरकू की, उसकी योगेश कोरकू और महेंद्र कोरकू दोनों साथ साथ थे। जब महेंद्र कोरकू की हमने CDR निकाली तो लास्ट रात को 12 बजे तक वो योगेश और महेंद्र दोनों साथ साथ दिखाई दिए। फिर हमने जब महेंद्र कोरकू को उठाया तो उसने अपने जुर्म स्वीकार किया। इन दोनों का क्या रिश्ता है? दोनों का देखिए, दोनों चचेरे भाई हैं। सर, ये पहला शुरू में बता देंगे क्या कुएं में लाश मिली थी, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जब करीब 12 से 1 बजे की बात बीच की बात है, फोन लाइन पर निर्माण चल रहा है हंडिया हरदा के बीच में, तो उस समय जब मिट्टी डालने की बात आई थी तो वहाँ के जो गांव वालों ने देखा कि जो डिकम्पोज्ड बॉडी वो बाहर आ गई है। तो फिर गाँव वालों ने आसपास सूचना दी, तो उस समय उसके पिता भी वहाँ मौजूद था। फिर बेटी को पहचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।